दोस्तों आज तक आपने बहुत से सुंदर घर और बहुत सी आलीशान इमारतें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा नजारा दिखाएंगे जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये चिड़िया भाई अपने घरों में एसी लगाती है, तो कोई चिड़िया अपने घोंसले जमीन के नीचे बनाती है तो कुछ पेड़ से लटका कर। आज हम आपको दोस्तों कुछ ऐसे ही शानदार घोंसले दिखाएंगे जिन्हें देख कर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं बॉस ये वीडियो। नंबर 1, टिमोंटुजिमा और पेंटोला नेस्ट। ये घोंसला तो भाई कुछ अलग ही है, क्योंकि इसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पाता है कि इस घोंसले को किसी चिड़िया ने बनाया है। अमेरिका में रहने वाली कैरिबियन बर्ड ही सिर्फ इस तरह के घोंसले बनाती है। ये देखने में दोस्तों ऐसे लगते हैं जैसे पेड़ पर कटहल लटक रहे हैं। इन घोंसलों को ये कैरिबियन बहुत जल्दी बना लेती है। चिड़िया दोस्तों अपना घोंसला ज्यादातर तभी बनाती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ये घोंसला करीब 30 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है, और इस घोंसले की लंबाई की बात करें तो ये करीब 60 से 180 सेंटीमीटर तक होता है। ये घोंसले पेड़ की टहनियों पर ही लटके रहते हैं। इसे बनाने के लिए दोस्तों इन पक्षियों को सूखी घास और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें ढूंढना और फिर घोंसले तक लाना एक मुश्किल भरा काम होता है। ये चिड़िया दोस्तों एक पेड़ पर लगभग 100 घोंसले आराम से बना सकती है। अगर आप ये घोंसले देखना चाहते हैं तो आपको ये नजारा सिर्फ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। नंबर 2, हमिंग बर्ड नेस्ट। इन बर्ड्स के घोंसले को दुनिया का सबसे खूबसूरत घोंसला माना जाता है। वैसे तो ये पक्षी भाई साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन रहने के लिए हमेशा बड़े बड़े पेड़ों को ही चुनते हैं और फिर उन पर अपने रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। ये पक्षी जमीन से करीब करीब 10 से 90 फीट की दूरी पर अपना घर बनाते हैं, जिससे कोई भी इनके घोंसले को देख ना पाए और ना ही उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा पाए। इन पक्षियों के घोंसले देखने में कटोरी जैसे लगते हैं। ये अपने घोंसले को बनाने के लिए सिर्फ घास फूस या सूखी लकड़ी का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि दोस्तों ये मकड़ी के जालों से भी अपने घरों को सजाते हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक और खूबसूरत बन जाता है। इन घोंसलों के चारों तरफ दोस्तों मकड़ी के जाले लगे होते हैं, जिसकी वजह से जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इस घोंसले के किनारे भी बढ़ते जाते हैं, जिससे बच्चों को रहने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों किसी भी पक्षी के सामने अपने बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले होती है, इसलिए ये बर्ड भी अपने बच्चों के घोंसले को चारों तरफ से पत्तियों से कवर कर देती है, ताकि कोई भी शिकारी इन पत्तियों के पीछे छुपे हुए उसके घोंसले को ना देख सके। इस तरह से ये अपने बच्चे को शिकारियों से बचा लेती है। आगे ऐसे ही दोस्तों मजेदार घोंसले और पक्षी आप देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक नहीं किया तो बॉस जल्दी से खींचे। नंबर 3, यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। इनकी तो भाई बात ही कुछ अलग है, क्योंकि दोस्तों इन पक्षियों में इतना भाईचारा होता है कि शायद इंसानों में भी ना हो। जब ये अपने घोंसले बनाते हैं तो दोस्तों मेल बर्ड और फीमेल बर्ड दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ ही दूसरे पक्षी भी इनकी घोंसले बनाने में पूरी पूरी मदद करते हैं। इस तरह ये अपना घर 20 दिन के अंदर तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बनाते हैं, बल्कि ये कुछ अलग ही जगह पर रहना पसंद करते हैं। जैसे ये पक्षी ज्यादातर अपने घोंसले या तो मिट्टी में बनाते हैं या फिर मिट्टी की किसी ढलान पे, जी हाँ, रेत के किनारे या फिर किसी पहाड़ के किनारे पर अपना बसेरा बनाते हैं। ये इन्हें ऐसी जगहों पर घर बनाना इसलिए बेहद पसंद है, क्योंकि दोस्तों ऐसी जगह ठंडी और हवादार होती है, इसलिए ये यहीं पर अपने घोंसले बनाते हैं। लेकिन इन घरों में रहना दोस्तों खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं होता है, क्योंकि इन बिलों को देखकर अक्सर नागराज इनके अंदर घुस जाते हैं और जो भी अंदर छुपा बैठा होता है उससे अपनी भूख शांत कर लेते हैं, और छोटे बच्चे ही सांप का निवाला बन जाते हैं। ये पक्षी दोस्तों खाने में मधुमक्खियां खाती हैं और इनसे ही अपना गुजारा करती हैं। नंबर 4, वीवर बर्ड नेस्ट। ये पक्षी भी दोस्तों कुछ अलग ही है। इन पक्षियों के घोंसले को दुनिया के सबसे खूबसूरत और मजबूत घोंसलों में से एक माना जाता है। ये पक्षी दोस्तों अपना घोंसला 3 से 4 महीने में बनाता है, क्योंकि इस मजबूत घोंसले को बनाने में पूरी जिम्मेदारी मेल बर्ड के ऊपर होती है। ये बेचारा अकेले ही अपने दम पर फैमिली के लिए घर तैयार करता है, इसलिए भाई इसे इतना लंबा समय लग जाता है। इस घोंसले को बनाने के लिए दोस्तों लंबी लंबी घासों की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये घोंसले इतने लंबे और टिकाऊ दिखाई देते हैं। आप इसकी मजबूती का इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी मौसम में कुछ खराबी आती है या तेज हवाएं और आंधी तूफान आता है तो इस घोंसले पर इन सबका कुछ भी असर नहीं होता, तो है ना भाई दमदार। नंबर 5, अफ्रीकन चिकाना। भाई हर बर्ड या तो अपने रहने का इंतजाम पेड़ पर करती है या फिर मिट्टी में, लेकिन दोस्तों ये पक्षी तो अलग ही जगह पर अपना घर बनाते हैं और वहाँ पर बड़े आराम से रहते हैं। लेकिन भाई आपके मन में सवाल आ रहा होगा कहाँ, तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो बॉस जल्दी से करो, मैं बताता हूँ ना। ये पक्षी अपना घोंसला पानी के ऊपर दोस्तों बनाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, घोंसले के लिए ये सूखी लकड़ियों और डंडियों का इस्तेमाल करते हैं। जब ये अपने बच्चों को दुनिया में लेकर आते हैं तब भी ये पानी के ऊपर ही उन्हें जन्म देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों खाना पानी सोना सभी काम ये पानी के ऊपर बने घोंसले में ही करते हैं। लेकिन दोस्तों इनके सामने परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। इससे इनके छोटे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये इस हालत में भी सब्र से काम लेते हैं और अपने घोंसले को नहीं छोड़ते हैं। ये पक्षी तो भाई वाकई में खतरों के खिलाड़ी हैं। नंबर 6, पैटागोनियन सी बर्ड।
सीबर्ड समुद्र के किनारे ही रहना पसंद करती हैं दोस्तों। ये पैटागोनियन सीबर्ड समुद्र के किनारे अपने पूरे झुंड के साथ मिलकर रहती हैं। बोले तो बॉस एकदम यूनिटी में। लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर नहीं बिताती हैं। बड़ा चंचल मन है इनका। बल्कि ये समुद्र के किनारे तभी रहने आती है जब ये अपने बच्चे को जन्म देती है। इसलिए दोस्तों सीबर्ड का ये ग्रुप एक साथ ही रहता है मिलजुल के भाईचारे के साथ और अपने अपने घोंसले को बनाकर उसमें देते हैं अंडे। इनका एक साथ रहने का मकसद ये भी होता है कि कोई भी शिकारी इनका शिकार न कर पाए, इनकी तरफ आंख उठाने की जरूरत न कर पाए। इसलिए दोस्तों ये एक दूसरे की ताकत बनकर हमेशा साथ रहते हैं, हम साथ साथ हैं। और जब ये बच्चों को जन्म देती हैं, तब ये इस इलाके को छोड़कर चली जाती हैं। नंबर 7, क्लिफ स्वैलो। आज हम आपको इस पक्षी का शानदार घोंसला दिखाएंगे जिसने खूबसूरती और घर को डिजाइन करने में भाई साहब महारत हासिल कर रखी है। ऐसा लगता है कोई डिग्री विग्री लेके आए हैं। ये पक्षी अपने घोंसले दीवार पर बनाते हैं, जिस तरह मधुमक्खी खूबसूरती से अपने घोंसले को तैयार करती है ना, हाँ ठीक उसी तरह ये पक्षी भी अपने घोंसले को दीवार पर बनाते हैं। ये पक्षी दोस्तों अपने घोंसले बनाने के लिए कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए ये अपने घोंसले में थोड़ी थोड़ी जगह पर लकड़ी के टुकड़े भी लगाते हैं, जिससे भाई इनका घोंसला मजबूत बना रहे। और ऐसे ही ये कीचड़ और लकड़ी की मदद से अपने घोंसले को करीब एक दो हफ्ते के अंदर तैयार कर लेते हैं। नंबर 8, बोअर बर्ड। ये पक्षी अपने घर को बनाने के लिए दोस्तों इसमें फूल और पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ये झोपड़ी जैसा घर मेल बर्ड ही बनाता है। इसके पीछे का रीजन जानेंगे ना तो आपका दिल भी भाई गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये मेल बर्ड फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह भाई अपने घोंसले को सजाते हैं ताकि उसे ये शानदार घर पसंद आ जाए और वो इसके साथ इस घर में रहने लग जाए। और ऐसा होता भी है जी हाँ, जिस फीमेल बर्ड को घोंसला पसंद आता है वो मेल बर्ड के घोंसले में आकर उसके साथ रहने लगती है। वाकई में ये तो यार किसी रोमांटिक स्टोरी जैसी है। नंबर 9, हैमर कॉप। ये पक्षी अपने घोंसले को बहुत बड़ा बनाते हैं। ये खुद जितने बड़े नहीं होते ना उससे बड़ा भाई इनका घर होता है। ये पक्षी खास तौर से दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में अपना बसेरा बनाते हैं। इतने बड़े घोंसले को बनाने के लिए आप जानते हैं इन्हें 8 से 9 हफ्तों का वक्त आराम से लग जाता है। इसके लिए ये पक्षी बहुत सी अनगिनत सूखी टंडियों और टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही घोंसले की पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें मिट्टी का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे ये घोंसला वाटरप्रूफ बन जाए और आसानी से पानी इनके घोंसले को बर्बाद ना कर सके। देख रहे हो भाई इनका दिमाग। इन घोंसले के अंदर दोस्तों लंबे लंबे होल्स होते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो ये पक्षी आसानी से इन होल्स के अंदर घुस जाते हैं और खुद को पूरी तरह से सेफ कर लेते हैं। ये बर्ड्स खाने के लिए समुद्र के किनारों या गीली जगहों पर रहती है, जहाँ पर इन्हें आसानी से भर पेट भाई साहब खाना मिल जाता है। जब ये पक्षी अपने बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं ना, तो घोंसले को बनाने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों पक्षियों के कंधों पर आती है। ये साल में करीब 4 बार अपना घोंसला बनाते हैं, यानी पूरे साल ही ये घोंसला बनाने में अपना टाइम बिता देते हैं। यही इन पक्षियों की बड़ी खास बात है। इस घोंसले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ना, आपको इनमें से किसका घोंसला सबसे शानदार और खूबसूरत लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए एब्सोल्युटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस आप समझना। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।